अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे क्या? अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज दूसरा रोज़ा है, आप सबको जुम्मा मुबारक। आज जुम्मे का दिन है। हम थोड़ी देर पहले उठे थे। मैं सहरी से व्लॉग स्टार्ट करना चाह रही थी, लेकिन जो है मैं सो गई थी, जिसकी वजह से मैं फिर बस उठी, मैंने सहरी करी, मैं नमाज़ पढ़ी और मैं सो गई वापसी, क्योंकि मैंने ना मेडिसिन ली हुई थी। कल मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था अभी जो है हम उठ गए थे, अभी जो है नमाज वगैरह पढ़नी है, कुरान पढ़ लिया हमने। और जो है क्योंकि भाई मेरे कमरे में जो है ना पेंट हो रहा है, जो कि मैं अभी आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि अंकल ने गेट बंद करा हुआ है। तो मैं कल रात ना यहाँ सोई थी, मम्मा के कमरे में जमीन पे सोई हुई थी मैं, और कसम से यार पूरी रात इतनी ठंड लग रही थी मुझे, क्या तो कोई मौसम हो रहा था। और चलो बल्कि मैं आप लोगों को पेंट दिखाती हूँ, दरवाजा खुल गया है, पेंट में आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड रुकें। कमरे का जो कलर है मेरा वो हो चुका है चेंज फ्रॉम येलो टू दिस ग्रे, वाइट कलर का चेंज हो गया हमारा कलर, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और जो है अभी कमरा बहुत ज़्यादा मैस हुआ हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह इस कमरे को भी अभी सेट करना है, तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में कमरा भी सेट हो जाएगा, तो मेरी ज़िंदगी भी थोड़ी सेट हो जाएगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी सिर्फ सेटिंग में गुजर गई है। अरे मतलब मैं बड़ी वो चल रही थी ना, कभी कुछ करना पड़ रहा था, कभी कुछ, फिर आपका कमरा बनेगा। जो है मैं आपको दिखाती हूँ भाई, ये कुछ पेंट है इस तरीके का, और जो है ना ग्रे करवा लिया है। ये रही मैं, ये मेरी नई अलमारी है, अभी पूरा ये सब कुछ मैस हुआ हुआ है, लेकिन जो है एक चीज़ है, मैंने इस शेल्फ को ना रीपेंट करना है ब्लैक, ताकि जो ना बिल्कुल फिनिशिंग आ जाए। अब मैंने ये जो कलर है बड़ा ठंडा, बड़ा कूल सा कलर है, इसके साथ मैं लगाऊंगी टील कर्टन्स, तो क्या ही मेरा कमरा लगेगा। मेरी इतनी बड़ी अलमारी जो बनकर आई थी वो मैं इंशाल्लाह जब सेट करूंगी ना आपको तब दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो बिल्कुल भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो है ना सब चीज़ें सेट हो जाएंगी। अभी सबसे पहले चलते हैं शरबत बनाने। कल मैंने वैसे 3 बजे शरबत बनाया था ना, तो रोज़ा खुलने टाइम तक जो है ना बिल्कुल भी सेट नहीं था, और मैं आपसे हाँ तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं था रोज़ा खुलने के टाइम तक, बस नॉर्मल सा था। और घर में हर किसी को पसंद है बड़ा चिल सा हो, तो आज जो है ना जल्दी से बना लेते हैं, फ्रीजर को बिल्कुल माइनस में टेम्परेचर कर लेते हैं, और देखते हैं आज इफ्तार में भी क्या बनाना है, तो प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। जो है ना भाई मैंने सोचा ये ऑरेंज टैंग, और साथ में ये एक्चुअली हमारा रमज़ान कॉर्नर है, और साथ में जो है ना वो लेमन पेपर वाला ना मिक्स करके कुछ बना देते हैं। ऑरेंज और लेमन पेपर को मिक्स कर देती हूँ, ये रहा लेमन पेपर, क्योंकि टैंग मैं पीती हूँ, बकिया ये सब लोग तो शरबत पीते हैं, मैं शरबत नहीं पीती बिकॉज टू स्वीट, बस हम टैंग पियेंगे। इन लोगों के लिए मैं शरबत बना देती हूँ और अपने लिए टैंग बना देती हूँ। आज का जो मेन्यू है वो ये है कि मम्मा ने बोला था कि ब्रेड रखी हुई है तो कोल्ड सैंडविचेस बना लेंगे, तो मैं आज आप लोगों को एक बड़े मज़े की और बड़ी सिंपल सी कोल्ड सैंडविचेस की रेसिपी भी शेयर करूंगी, जो कि कोई भी गेस्ट आए रमज़ान में, नहीं कोई भी गेस्ट आए तो आप फ़ौरन से बना सकते हैं, ऐसे झटपट बनने वाला है, तो उनकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके अलावा जो है कुछ फ्राइड आइटम्स मुझे आ रहे हैं, अनफ्राइड आइटम्स, फ्रोजन आइटम्स आ रहे हैं मुझे एक PR में, तो प्रॉबेबली मैं वही फ्राई करूंगी, वरना बहुत कुछ हो जाता है। हाँ ये है कि मुझे थोड़े से आलू के पकौड़े बनाने, बिकॉज मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए थोड़े से, और शुरू के ना कुछ दिन होते हैं जिसमें मैं पकौड़े वगैरह बना लेती हूँ, ताकि अच्छा लगता है जब टेबल पूरी भरी भी होती है ना, तो इसलिए। तो ये सीन है, अभी तो कुछ 3 बज रहे हैं, इतना कुछ करने को है नहीं, सफाई वगैरह होगी घर में, चीज़ें वगैरह सेट करनी है, उसके बाद देखते हैं कि क्या आगे रूटीन है। वरीशा को भी मुझे आज सैंडविचेस भेजने, क्योंकि उसने बोला था कि अगर बनाओ तो मेरे घर भी भेज देना, तो उसको भी भेज देंगे हम। ओके जी, तो समाहित किचन में आप सबका स्वागत है। तो मैंने सोचा कि जो है मैं जल्दी से आपको झटपट से आके रेसिपी बता देती हूँ। सो बेसिकली इस रेसिपी के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए है शिमला मिर्च, ठीक है, मैंने एक छोटी शिमला मिर्च ली है, मैंने एक कुकम्बर लिया है, और ये गाजर लिया, तो इसको मैंने इस तरीके से रख दिया है, इसमें डाल दिया, दिस इज़ द चॉपर। चॉपर में मैं इन तीनों चीज़ों को चॉप कर दूंगी तो बहुत फाइन सा हो जाएगा। अगर आप हाथ से करना चाहते हैं तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए चॉपर ईजी है, तो अभी हम इसको चॉप करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। अच्छा ये आप देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल ये फाइनली चॉप हो गया है, इसको मैं अलग निकाल दूंगी। अब मैं बाकी अपनी दोनों चीज़ों को भी चॉप करके फिर आपको दिखाती हूँ।
अच्छा अब मुझे दिखाओ, मैं महविश को व्लॉग बनाना सिखा रही हूँ। सो इसके अंदर मैंने जो तीन अपनी शिमला मिर्च, गाजर और क्यूकम्बर ऐड कर दी थी, साथ में मैं इसके अंदर चीज़ स्लाइस को बिल्कुल ऐसे छोटा छोटा करके ऐड कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मसाला इसलिए नहीं बना रही क्योंकि जो है थोड़े से ही सैंडविचेस बनाने, क्योंकि और भी बाकी आइटम्स होंगे तो मैं नहीं चाहती है कुछ भी वेस्ट हो जाए, तो इतना ही बनाएं हम जितना हम खाएं, ठीक है। अच्छा अब इसमें मैंने ये चीज़ ऐड कर दिया, आई थिंक एक स्लाइस इनफ होगा चीज़ का। अभी इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। अच्छा बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सा गार्लिक मेयो यूज़ करते हो, मुझे ये डिपेट वाला अच्छा लगता है। वैसे मुझे पर्सनली तो हाइंस का बहुत अच्छा लगता था, बट अब हाइंस मुझे मिल नहीं रहा तो मैं डिपेट वाला यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा, इसके अंदर आपने गार्लिक मेयो या नॉर्मल मेयो डालना है, साथ में आपने केचप डाल लेना है, ये दिखाओ, ये साथ में आपने केचप डाल लेना है। एंड आई विल एड, अब मुझे दिखाओ, जब मैं बोलूँ अच्छा, मुझे दिखाया करो। एंड नाउ आई विल मिक्स इट अच्छे से, इसको हमें प्रॉपरली एक पेस्ट फॉर्म में बनाना है, स्प्रेड फॉर्म में। तो इसमें मैं और मजीद इसको ऐड करूँगी, साथ में मैं डालूंगी चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर डालूंगी। मैं नमक नहीं ऐड करूँगी क्योंकि हमने चीज़ भी डाला है, ये सॉसेज भी डाले हैं, तो इसमें ऑलरेडी बहुत सारे नमक वगैरह है और हमारे घर में सब नमक बहुत अवॉइड करता है, तो इसीलिए हम इसको ज़्यादा सॉल्टी नहीं करेंगे। अगर आपके घर में तेज़ नमक खाया जाता है तो आप इसमें बेशक डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं होती वैसे डालने की, ठीक है। मैं भी जो है ना चिकन को श्रेड कर रही है, अब ये श्रेड करके मुझे देगी, तो फिर जो हमारा मिक्सचर है जो कि कुछ इस तरह का लगना चाहिए, इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। एंड हाँ, दूसरी चीज़ ये कि आप इसको जो है 2 to 3 days के लिए या फॉर अ वीक आई थिंक, अगर आप इसको टाइट करके रख ले तो आप इसको रख सकते हैं। ये इवन बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा, तो ये इस तरीके की चीज़ है कि आप इसको किसी भी में भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको ब्राउन ब्रेड में बनाएं या वाइट ब्रेड में बनाएं। आज ये बनाने का मकसद ये है कि हमारी ब्रेड पड़ी हुई है जो कि मम्मा कह रही थी ये वेस्ट हो जाएगी तो सैंडविचेस बना लो, तो मैंने जो है वाइट ब्रेड में ही बनाना है, और वो किस तरीके से आपने बनाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये है बॉइल्ड चिकन जिसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब आप देखिए मैंने आधी गाजर ली थी, आधी शिमला मिर्च, एक शिमला मिर्च ली थी, और इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा सा लिया था और मेरा पेस्ट माशाल्लाह कितना सारा बन गया है। तो इसलिए आप लोग एक एक दो दो चीज़ें लेंगे लेकिन इसमें से काफ़ी सारे सैंडविचेस आपके बन जाएंगे, ठीक है। बस मेक श्योर कि आपके जो सैंडविचेस हैं वो बहुत क्रीमी होने चाहिए, मतलब आपका जो स्प्रेड है वो ड्राई ड्राई नहीं हो, क्रीमी हो, ठीक है, इस तरीके से। मेरा ना बड़ा दिल है कि ये वरीशा मिले थाईलैंड से लेकर आई थी सोया सॉस, तो मैं इसमें जो है ना थोड़ा सा ऐड करूँ। ये आप अपने हिसाब से, आप अपना नॉर्मल वाला भी ऐड कर सकते हो, लेकिन इसका जो फ्लेवर है ना वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने थोड़ा सा ये ऐड करा है ताकि ये और मज़े का आए, और खुशबू एकदम मज़े की आ रही है, मेरा दिल कर रहा है खा लूँ, लेकिन रोज़ा है जो इफ्तार में खाएंगे। अच्छा ये मैंने ना थोड़ा सा आपने बटर ले लेना है और एक साइड पे आपने स्प्रेड करना है बटर को, ये बटर तो काफ़ी ज़्यादा थिक हुआ हुआ है, लेकिन चलो कोई नहीं, इसको एक साइड पे हम स्प्रेड करते हैं, रखती हूँ मैं थोड़ी देर, ये मेल्ट हो जाएगा। और दूसरी साइड पे मैंने ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये सो डिफिकल्ट मैविश, दूसरी साइड पे आपने इसको इस तरीके से स्प्रेड कर लेना है, इवनली स्प्रेड करिएगा ताकि जो है ना हर निवाले में आपको, अब मुझे ले लो, हर बाइट में आपको स्वाद आए, ठीक है। इसको इस तरीके से ये कर दिए, बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये, तो हर कोई बना सकता है। और अब मैं इसको कर दूंगी यहाँ से बीच में से हाफ, क्योंकि जो है ये बहुत बड़ी ब्रेड है तो ये बीच में से हाफ हो जाएगी, तो इसमें से आपके 2 वेरी डिलीशियस स्लाइसेस आ जाएंगे। आप चाहें इसको टोस्ट कर लें, आपकी मर्जी है, लेकिन हम इसको आज कोल्ड सैंडविचेस खाएंगे, तो अभी क्योंकि 5:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, मैं अभी इसलिए बना के उसको फ्रेश जोन में रख दूंगी ताकि ना बिल्कुल अच्छे से कोल्ड से हो जाए, तो बड़े मज़े के लगेंगे, ठीक है। रेसिपी आप लोगों को मैंने शेयर कर दी है, अब मैं बकिया अफ्तारी बनाती हूँ, लेट ना हो जाए तो आपसे बीच में मिलता है। तब हम लोग यहाँ पे जन अफ्तार का टेबल सेट कर रहे हैं और मैं दिखाती हूँ आज हमने क्या क्या बनाया है। यहाँ पे ये रोल्स हैं, दो किस्म के समोसे हैं, पेरी बाइट्स हैं, वॉन्टॉन्स हैं, ये सब फ्रोजन आइटम आया था, और मैं आपको टेस्ट भी करके बताऊँगी ये कैसा है, तो अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी इनकी। साथ में मैंने ये 2 पकौड़े बनाए, अभी इसमें जो है ना चाट, दही बड़े वगैरह जो ना ये लोग रख रहे हैं, और फिर अभी हम लोग इफ्तार करने के लिए बैठेंगे। पूरा टेबल माशाल्लाह सज चुका है, सब बैठ रहे हैं इफ्तार के लिए।
खजूरें रखी हैं? हाँ वो तो बोल रही है। आज हमारा दूसरा रमजान है, दूसरा रमजान है हमारा, सेकंड रोजा। खुश नसीब लोग हैं बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, कुछ कहना चाहूँगी कि अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया कि इस रमज़ान को हम दोबारा हासिल कर सकें बिल्कुल ज़िंदगी के साथ। ये बहुत अल्लाह का करम है, ऐसा ही शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।